2002 गुजरात दंगों में जो कुछ बिल्किस बानो के साथ हुआ और उसके बाद लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, उसमें नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, वहीं गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो बलात्कार के तमाम 11 आरोपियों को रिहा किया जा रहा था। जैसे ही ये खबर आई मानो एक भूचाल सा पैदा हो गया हो। आज बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए, उन तमाम रेपिस्टों को दोबारा सज़ा दिलवाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम छात्र संगठनों की ओर से एक बड़ी प्रदर्शन की कॉल दी गई थी, जिसमें DSU, AISA, JNU, एडवा, RYA, SNS और CPIML तमाम राइट विंग्स छात्र संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बारी बारी से तमाम वक्ताओं ने संबोधन भी किया, लेकिन जिस तरह से हर मसले पर छात्र संगठन आगे आते हैं ये अपने आप में इस दौरे तानाशाही में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जंतर मंतर पर जिस तरह से बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाई गई, याद होगा आपको सन 2012 में निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उस पर यही वो JNU है जिन्होंने पूरे देश को एक चिंगारी दी थी और आज निर्भया के तमाम आरोपियों को फांसी की सज़ा मिली। भारी तादाद में तमाम लोग बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। किस तरह की तख्तियां उनके हाथों में नज़र आईं वो तमाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। महिलाओं को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो महिलाएं भी वोट नहीं देंगी। आखिर क्यों एक बिल्किस बानो को, जो जिसके साथ 19 वर्ष की उम्र में सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी सास का बलात्कार किया गया, 3 साल की मन्नन्नी मासूम को मार दिया गया उसकी आंखों के सामने और बार बार उससे दरिंदगी की गई। सुनिए क्या कुछ हुआ जंतर मंतर पर। देवी पूजन चल रहा है, कन्या पूजन चल रहा है, नवरात्र पूजन चल रहा है, जब 3 साल की बच्ची को आपने दीवार में सिर लगा के मार दिया, आज आप उनको संस्कारी ब्राह्मण कह रहे हैं। क्या सोच के आप उनको संस्कारी ब्राह्मण कह रहे हैं? क्या संदेश आप हमारे भारतीय समाज में देना चाहते हैं कि लड़के ये सीखे आप हिंदू है, आप ब्राह्मण है, आप बलात्कार कीजिए, आप संस्कारों के नाम पे जेल में हुए अच्छे कामों के नाम पे आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा, आप बाहर आइए दोबारा बलात्कार कीजिए और दोबारा आपको छोड़ दिया जाएगा। हम अपने लड़कों को क्या सिखाना चाहते हैं? आप देश के सबसे बड़े मंच से लाल किले से कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की बात करते हैं, क्या हम महिलाएं सुरक्षित है? क्या हर कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली लड़की, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, चंडीगढ़ हो, जम्मू हो, कहीं पे भी, क्या महिलाएं सुरक्षित है? ये हमें प्रश्न करना पड़ेगा। हमारा संवैधानिक अधिकार है बोलने का अधिकार। मोदी जी आपने तो हमसे वो भी छीन लिया। हम कब कहां बोले और हम कब कहां जिए चले जाएंगे आज ही कोई भी नहीं जानते। हम हमारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिला के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला के अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम सबको सोचने की, एक साथ आने की जरूरत है। इस मंच को तब तक हमें जारी रखना है जब तक बिल्किस बानो जी के अपराधियों को जेल नहीं पहुंचा देते हैं, उनको फांसी की सजा नहीं दिला देते हैं, तब तक हम सभी महिलाओं को इस मंच पे रहना होगा, एक साथ रहना होगा, महिलाओं की एकता की बात करनी होगी और हम सबको ये ठानना होगा कि अगर हम आजादी का 75वां दिवस मना रहे हैं तो हम वास्तव में आजाद भारत में हैं। हम डेली भारत माता की जय, भारत माता की जय, कौन सी माता की जय कर रहे हैं आप लोग? हमें सोचना होगा हम किस माता की, हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की माताएं कहां सुरक्षित है कि हम भारत माता की जय, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद करें। क्यों करें? आप खुद देखिए, एक महिला का बलात्कार एक का नहीं हुआ, कितनी महिलाओं का 2002 में बलात्कार हुआ होगा ये हमें सोचना है। 20 साल बाद आपने जो निर्णय सुनाया, 11 साल के बाद आपने उन्हें बोला कि आपको छोड़ दिया हमने क्योंकि आपके संस्कार अच्छे थे, आज हम उसको देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम की तरह, तो हमें सोचने की जरूरत है। सिर्फ एक नारा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जंतर मंतर पर पुलिस काफी तादाद में डिप्लॉयड की गई थी, वहीं शबाना आजमी ने भावुक होकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये देश के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो संविधान कहता है कि हम बराबरी का हक हर इंसान को देंगे, तो क्या दिल के इंसान नहीं है? सवाल तो यही है
ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स हमको कहाँ से मिलती है? ह्यूमन राइट्स हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबों को जस्टिस देंगे। वो जस्टिस कहाँ है, हम ये सवाल पूछेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बिल्किस बानो को क्या इंसाफ के बहुत करीब है, वो जो अपराधी थे वो जेल चले गए, लेकिन वो कौन सा ऐसा झटका एकदम लगा होगा कि जब 15 अगस्त के दिन उन्होंने ये सुना होगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया आज वो आजादी के साथ बाहर घूम रहे हैं। उनके कुछ चाहते कि बहुत दिनों तक तो बिल्किस कुछ बोली ही नहीं थी जब ये हादसा उनके साथ, और आज जो इसी तरह से इज्जत करते हैं, ये देश जो कहता है कि महिला जब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी देश आगे नहीं बढ़ सकता, वो ऐसी दोगली बात कर रहा है। मुझे, मैं कुछ कहने के लायक भी नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आएगा उस जजमेंट में इस बात को शामिल किया जाए कि जो बिल्किस बानो के रेपिस के साथ हुआ और उसके बाद मतलब उन रेपिस को माला पहनाई गई है, क्या सिग्नल दे रहे हैं आप सोसाइटी में? शुभ होकर हम इसे जाने नहीं देंगे। मैम ये चीज़ और बता दें कि एक लड़ाई 20 साल तक लड़ी गई और उसके बाद उस तरह से हिंदुस्तान में नहीं हुआ। मुझे लगता है कि लोग इतने शॉक्ड हो गए कि किसी को ये यकीन भी नहीं आ रहा पूरी तरह से कि ये बात हो रही है। वक्त आएगा, लोग इकट्ठा होंगे 100%। हमको मायूस नहीं होना चाहिए, इस तरह की जाति नामुमकिन है कि हमारे देश में, ये देश के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो संविधान कहता है कि हम बराबरी का हक हर इंसान को देंगे, तो क्या बिल्किस बानो ये इंसान नहीं है? सवाल तो यही है, ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स हमको कहाँ से मिलती हैं? ह्यूमन राइट्स हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबों को जस्टिस देंगे। वो जस्टिस कहाँ है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। एक लड़ाई जो 20 साल तक लड़ी गई, उस लड़ाई के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बिल्किस बानो को कि अब इंसाफ के बहुत करीब है, वो जो अपराधी थे वो जेल चले गए, लेकिन वो कौन सा ऐसा झटका एकदम लगा होगा कि जब 15 अगस्त के दिन उन्होंने ये सुना होगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया आज वो आज़ादी के साथ। जाहिर है कि उनके खुद शौहर के कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक तो बिल्किस कुछ बोली ही नहीं थी जब ये शर्मनाक हादसा उनके साथ हुआ था, और अब जो वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बटोर रही थी, तो ये जो सदमा उनको पहुंचा, ये सदमा वो कैसे रिकवर कर सकेंगे इससे? मैम द कमिटी विच रेकमेंडेड द रिलीज ऑफ दीज 11 कॉन्विक्ट्स, 5 ऑफ देम वर्क फ्रॉम द बीजेपी, 5 ऑफ द मेंबर्स वर्क फ्रॉम द बीजेपी, 1 ऑफ देम इवन वेंट ऑन टू से दैट दीज मेन आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे आर ब्राह्मिन्स, दे हैव गुड संस्कार। संस्कार रिएक्ट टू सच, उल्टी आती है मुझे, उल्टी आती है। ये संस्कारी लोग हैं, अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? होना तो ये चाहिए कि जिसने ऐसा कहा है उसको फौरन रद्द कर देना चाहिए पार्टी से, तब हम जाएंगे, तब हमको पता चलेगा। प्रधानमंत्री के बयान को कितना ईमानदार मानते हैं जो लाल किले से उन्होंने दिया, क्या ये कवर अप के लिए था जिस तरह के फैसले हुए? ये जब तक हमको इसका नतीजा नहीं मिलेगा, जब तक हम ये नहीं कह सकते, हमको इसका नतीजा चाहिए, एक हफ्ते के अंदर चाहिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैम लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि पुनर्विचार करे गुजरात सरकार, तो पुनर्विचार किया जाएगा लगता है आपको? पुनर्विचार तो होना ही पड़ेगा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इनको छुटकारा मिल जाएगा, इनको वापस जेल जरूर होगी। मैम क्या ये मजबूती से जो लड़ाइयाँ सड़क पर लड़ी जा रही हैं, इनका नतीजा आपको लगता है कुछ अच्छा निकलने वाला है? क्योंकि कहा जाता है कि भाई सड़क पर लड़ने से कुछ नहीं होगा। असल में बात ऐसी है कि हमारे मुल्क के जिस घर में हम खड़े हैं उसमें जन संघर्ष ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आप जन संघर्ष नहीं करेंगे, और भी जो 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 आपके लेजिटिमेट किस्म के जो लॉ के जरिए भी आप करें, लेकिन जन संघर्ष बहुत ही जरूरी है। आज के बाद इस आवाज़ को कैसे उठता देखना चाहती हैं? क्योंकि आज तो मजबूत है लेकिन आगे कैसे उठे, और आप क्या चाहती हैं? मुझे ये लगता है कि यही मुल्क के जो लोग थे वो जब देर भाई के साथ बिल्कुल एकजुट हो गए थे,
तो वो अभी एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? मगर मुझे यकीन है कि एकजुट होंगे, क्योंकि ये इतनी घिनौनी हरकत हुई है कि हम अपना सर अपने देश में ही किसी के सामने नहीं उठा। दिस इज अ वेरी मैनिपुलेटेड क्वेश्चन। इसके पीछे का मकसद क्या होगा, वजह क्या? कहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, करते वो हैं जो उनकी राजनीति है, और आज से नहीं हमेशा से। आरएसएस जब से बनी है तब से यही करती आई है। हमारे प्रधानमंत्री भी आरएसएस के प्रचारक हैं, उन्हीं की बोली बोलते हैं। बोलते एक चीज़ है, करते दूसरी चीज़ है। लेकिन अपराधियों को छोड़ना ये भी एक मसला है, लेकिन उन्हें संस्कारी बताना और ब्राह्मण बताना, ब्राह्मण ये भी तो बड़ा मसला है। संस्कारी ब्राह्मण बता रहे हैं, लेकिन इसमें हैरानी की क्या बात है? उनकी वही सोच है। उन्होंने हाथरस में क्या किया? हाथरस में जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी बॉडी जला दी गई, तो उसमें क्या किया? उन्होंने कठुआ में क्या किया? वही बलात्कारियों को मालाएं पहना रहे थे, इन्हीं के बीजेपी के लोग थे। उनकी सोच ही वो है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि इतना सब होने के बाद भी इस देश की जनता चुप बैठी है, और ऐसे लोगों को उठा के गद्दी से नीचे नहीं फेंकते। एक तरफ लाल किले से नारी के सम्मान की बात, और दूसरी तरफ गुजरात में आरोपियों को छोड़ा जा रहा है। संयोग है या प्रयोग है? प्रयोग है, पुराना प्रयोग है, नया नहीं है। आरएसएस हमेशा यही करती है, कहती कुछ है करती कुछ, और वो ही कर रहे हैं। क्या बिल्कुल बानो को इससे छोड़ा गया, उनके आरोपियों को इससे छोड़ा गया, क्योंकि वो सभी हिंदू थे और बिल्कुल बानो मुसलमान थे? इसलिए भी छोड़ा गया, लेकिन इसलिए भी छोड़ा गया कि नफरत की भट्टी में जब तक लकड़ियां पलती रहें, जब तक आग जो है दहकती रहे, तब तक अच्छा है। मोदी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हैं, स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो, या फिर निर्मला सीतारमण हो, अभी तक किसी ने एक लफ्ज नहीं। वो बोलती कब है? जब ऊपर से उनको आदेश दिया जाता है। 2012 में बोला था उन्होंने, 2012 में यूपीए सरकार थी सर, लोकतंत्र अभी जिंदा था, बोलने की जगह थी, बोलने की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा जगह थी। तब गौरी लंकेश की कनपट्टी पे रख के बंदूक से उसे मारने दिया जाता था। आज लोग डरते हैं बोलने से, जो बोलता है उसके ऊपर केस लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं। कोई आसान है आज के हिंदुस्तान में बोलना? हमें डर नहीं लगता। हम हमारी जो है ना विरासत, भगत सिंह की विरासत है, सावरकर की नहीं है, जो हम डर के माफ़ी मांगे। तो सावरकर को भी बताते हैं, वीर बताते हैं, लाल। मोदी जी क्या बताते हैं उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मोदी जी की आरएसएस की राजनीति है, वो जो भी बताएंगे बताते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद न्याय मिलेगा, वापस आरोपियों को उम्मीद है जाएगा। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही कर सकते हैं, और किससे करें बताइए। बहुत शुक्रिया मैम। उन महिला एंकर को क्या बोलेंगे जो खामोश है इन मुद्दों पर? महिला एंकर कौन सी बात कर रहे हैं? जो जो बिके हुए चैनल हैं उनसे क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, इतने लोग आए, लेकिन एक मीडिया, मतलब जो मेनस्ट्रीम मीडिया बोला जाता है। अरे आप ही मेनस्ट्रीम है, उन्हें आप मेनस्ट्रीम क्यों कहते हैं? आप ही मेनस्ट्रीम मीडिया हैं, हम आपको ही मेनस्ट्रीम मानते हैं, उनको नहीं मानते, वो तो बिकाऊ मीडिया है। इसकी इसका जवाब जो है हमको सीधा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर अमित शाह से मांगना चाहिए कि बिल्किस बानो का नाम लीजिए, माफ़ी मांगिए, और इन लोगों को, इन 11 लोगों को अगर वापस सज़ा नहीं दिया गया, उनके सज़ा को जो आधे में काट दिया गया, उनको अगर पूरी सज़ा काटने के लिए वापस जेल नहीं भेजा गया, तो ये पूरे देश को आज़ादी के 75 साल के बाद एक शर्मिंदा किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र में आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर न्याय जो है वो सबके लिए एक नहीं है। न्याय जो है, अगर आपने सांप्रदायिक दंगा किया और उस दंगे के तहत आपने महिलाओं का, मुस्लिम महिला का बलात्कार किया, तो आपको सम्मान मिलेगा। ये आप मैसेज दे रहे हैं पूरे समाज को। एक सवाल ये भी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा की आड़ में भी आरोपियों के समर्थन में, दोषी आरोपियों के समर्थन में जो है रैलियां निकाली, चाहे वो कठुआ का मामला हो या फिर उन्नाव का मामला हो, और वहीं दूसरी तरफ अगर बेरोजगारी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो प्रोटेस्ट होता है उसको एंटी नेशनल कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तिरंगे की आड़ में आरोपियों का जो समर्थन होता है और राष्ट्रवाद की आड़ में, इसको कैसे देखने की जरूरत है? ऐसा अगर हुआ है, मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये दिखा रहे हैं। नहीं, कठुआ में तो हुआ ही, इस खास मामले में मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है एक्चुअली शर्मिंदा कर रहे हैं, और मैंने हिंदुओं को इसमें शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, हर भारतीय को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए कि आप हमारे झंडे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि बीजेपी के लोग घूम घूम करके ना, अगर कोई बलात्कार का मामला हो जिसमें आरोपी मुसलमान हो, तो उसको दिखा करके वो कहेंगे सारे मुसलमान बलात्कार, लेकिन उन मामले में आप मुझे एक भी जगह दिखा दीजिए जहाँ बलात्कारी मुस्लिम आरोपी के पक्ष में, बलात्कार के आरोपी मुस्लिम के पक्ष में कोई मुसलमानों ने कहीं रैली निकाला हो। आप एक
भी उदाहरण कहीं से तलाश करके दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा पाएंगे इस देश में। तो इसमें समझने की बात है कि भाई बलात्कार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप चुन करके मैंने मुसलमान का बलात्कार करने वाले हिंदू पुरुषों को आप सम्मानित कर रहे हैं, आप उनको दिखा दिखा करके गुजरात में वोट मांगने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मिंदा क्या हो सकता है? बीजेपी के विधायक ने तो एक विधायक ने तो कहा कि वो ब्राह्मण संस्कारी नहीं, वो जो उस कमेटी में थे जिन्होंने रिहा किया उन्होंने ब्राह्मण कहा और कहा कि ब्राह्मण थे संस्कारी थे। तो भाई सवाल ये है कि बलात्कारी होगा तो हिंदू होगा ब्राह्मण होगा तब भी संस्कारी माना जाएगा? संस्कार है ये देश के, ये ब्राह्मण होने का संस्कार है, ये क्या है? देखिए मैं अभी भी उम्मीद करूंगी कि गुजरात के लोगों से इससे बेहतर उम्मीद की जाए। गुजरात के लोग उस समय बहुत सारे बड़ा हिस्सा जो है वो उस समय हो सकता है पैदा भी ना हुआ वोटरों का हिस्सा, उन लोगों से उम्मीद करिए कि वो कहेंगे कि आप जो है वो कोविड में इतने लोगों की हत्या किए, आप जो है वो माने दाम इतने बढ़ाए हुए हैं और रोज़गार इतना गिरा हुआ है, और उसके बाद आप आ करके वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? आप हमसे वोट मांग रहे हैं 20 साल पहले का सांप्रदायिक बलात्कार दिखा करके? ये आप हमारा अपमान है और हम सजा देंगे बीजेपी की सरकार को। ये उम्मीद मैं करूंगी गुजरात के लोगों से, मैं बिल्कुल इस उम्मीद को नहीं खोऊंगी। गुजरात के चुनाव के लिए ही हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने कहा है। 11 मुस्लिम 11 महिलाएं हैं मोदी जी के कैबिनेट में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बोला। बिल्कुल, बीजेपी के शायद सिर्फ खुशबू सुंदर ने बोला, लेकिन जो इनके कैबिनेट में है इनकी पूरी सरकार से सवाल है कि आपकी बोलती क्यों बंद है? आप सबके जुबान से हम बिल्किस बानो से माफ़ी मांगते हुए हम आपका सुनना चाहते हैं, तो हम ये दरअसल प्रधानमंत्री को पहले बोलना होगा ना, तब तो ये लोग तो अपनी बोलती इनकी खुलती नहीं है कभी। ठीक है, 20 सजा दें और जो ये कहने वाले हैं सपोर्ट करने वाले हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है जितने कानून के जानकार हैं कि कानून के आधार पे ही छोड़ा गया, जो कमेटी थी उसने पूरा चीज़ें देख कर छोड़ा। तो अभी जो हमारे न्यायाधीश ने ये कहा है कि जो है उस पर विचार की बात हुई, जी जी विचार की बात हुई है, तो वो क्यों कहा गया है भाई? वो जो कानून के दायरे में जितनी भी धाराएं हैं उसको मंथन करने के बाद ही तो इस न्यायाधीश ने इस बात को कहा है, तो ये समझना चाहिए इस बात के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बोला है इसमें, इसका मतलब कि वो छोड़ना गलत था। अब इस पे गुजरात सरकार विचार करे और फिर अपनी गलतियों को सुधारे, और अगर नहीं सुधारती है तो जे देश की जनता, देश की महिलाएं और देश के जो मर्द हैं जो सोचते हैं देश को जोड़ कर रखना चाहते हैं, वो औरत और मर्द में फ़र्क नहीं समझते हैं, वो भी देश हमारे साथ मिलकर इसी तरह के से सड़कों पर उतरे। यही तो हमारा कहना है, यही तो हमारा सवाल है, यही तो हमें शिकायत है कि अगर वो बलात्कारी हैं तो चाहे कितनी ही उनके अंदर संस्कार आ जाए, लेकिन बलात्कारियों को जिस तरीके से सम्मानित किया गया है ये बहुत ही शर्म की बात है, पूरा देश इससे शर्मसार हुआ है।
चलो।